माय फर्स्ट माइकल कॉर्स बैग हियर. ओह माय गॉड, अब तक के सबसे क्रेजी प्राइसेस जो हमें मिले हैं ना वो उस टेंपल के बाहर ही मिले हैं. तो वो इंडिया में बोलेगा ना 500 रुपए की ट्यूब ले लो, मैं कभी नहीं लेती. हैक नंबर वन ऑफ शॉपिंग इन बाली इज बार्गेन. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm finally back with a long form video. बहुत दिन से शूट नहीं किया, बहुत दिन से अपलोड नहीं करी. काफी फोमो फील हो रहा था. आई नेवर इमेजिन कि इस साल मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊंगी, एक बढ़िया सा हॉल बनाऊंगी. वैसे तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे शॉप कर रही थी, बट जब घर आई आई सॉ बहुत सारा सामान है, तो जरा एक बढ़िया सा हॉल बना लेते हैं. दिस इज रियली ग्रेट फॉर ऑल दोस पीपल जो बाली प्लान कर रहे हैं. आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा प्राइसेस का. मैंने एकदम सरोजनी लेवल की बार्गेनिंग करी है बाली में भी. सो आई यू विल सी सम रियली गुड डील एंड सम designer stuff as well. Designer as in branded, not designer. Branded stuff as well जो मैंने duty free airport से लिया है. So I hope you like this video. Okay, let's start with bag first of all, because Bali के सबसे famous हैं ये वाले bags जो वहाँ पे बहुत मिलते हैं. मतलब आप जहाँ जाओगे Bali के कोई भी corner में चले जाओ, आपको ये वाले bags वहाँ पे दिख जाएंगे. और मैंने अभी Amazon पे मुझे randomly इसका ad दिख गया था. एक plain bag था, इनफैक्ट उस पर कुछ भी ऐसा डिजाइन नहीं था, बिल्कुल प्लेन था. ऐसा था पीछे से, मतलब फ्रंट से भी वो ऐसा ही था. एंड उसका प्राइस था अराउंड 2000 rupees. एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज बाली में काफी अच्छे डील पे आपको मिल जाते हैं. सो लेट मी शो द नंबर वन बैग. सो मैंने सबसे पहले शॉप से लिए थे ये वाले दो बैग्स. ये छोटे वाले हैं, दिस इज द बिगर साइज. ये मैंने बाद में कहीं और से लिया, बट ये दो बैग मैंने लिए हैं कूटा की मार्केट से. टू सो कूटा एंड सम्याग आर क्वाइट क्लोज टू द एयरपोर्ट डेनपसार. तो आप वहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो बाली की. हमने बेसिकली अपना बाली का ट्रिप एंड वहाँ पर किया था, तो लास्ट में हम वहीं पर ही थे. सो वहाँ की मार्केट हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मुझे बैग्स दिखे एंड आई रियली लाइक दिस हेलो किटी वन. मेरा नहीं है हेलो किटी का, दीज आर फॉर किड्स ऑफ द फैमिली. ऐसे प्लेन भी मिल रहे थे, बट ट्रस्ट में मुझे प्लेन से फील नहीं आ रही थी. लिटरली वैसे सांप का पिटारा लग रहा है, जैसे उसमें सांप नहीं आता वैसे कुछ लग रहे थे, क्योंकि इसका थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न है. बट इसमें पैटर्न बने हुए हैं, तो एटलीस्ट एक अच्छी फैशनेबल लुक आती है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ऐसे अंदर इन्होंने अलग अलग हर बैग के अंदर अलग तरह का कपड़ा लगा हुआ है, किसी में भी सिमिलर नहीं है. बिकॉज ये सारे हैंडमेड वाले बैग्स होते हैं, तो किसी में भी सिमिलर पैटर्न आपको नहीं मिलेगा अंदर की साइड. बाहर की साइड आप चूज कर सकते हो. बहुत सारे पर्ल्स के भी थे यहाँ पे, ऐसे पर्ल्स लगे हुए थे, शेल्स लगे हुए थे. मैंने सबसे पहले पर्ल वाला ही लिया था, बट देन आई सॉ एक और बैग का पर्ल निकला हुआ था. वो जो शेल्स होते हैं वो निकले हुए थे. अगर एक या दो शेल भी निकल गया ना ट्रैवलिंग के टाइम, बिकॉज मेरा लगेज ऑलरेडी फिल्ड था, अगर मैं उसको जबरदस्ती स्टफ करती कोई टूट जाता तो फायदा नहीं था. तो इसलिए मैंने वॉल्यूम लिया, मैंने प्लेन लिया, सो दैट इजी टू कैरी. ओके. सो ये कीचेन है जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में ले ली. सो हैक नंबर वन ऑफ शॉपिंग इन बाली इज बार्गेन. मतलब आपको समझ जाएंगे कि आप फॉरनर हो, आप इंडियन हो, बेसिकली आप बाली के नहीं हो, तो आपको क्रेजी प्राइस बोलने वाले हैं. एंड ऐसा नहीं है, अच्छे से बार्गेन करना. सो मैं आपको करेंसी बता देती हूँ बाली की. सो बाली की जो करेंसी मेजरली शुरू होती है ना, वो 1 lakh से शुरू होती है. वहाँ पर 1 lakh से कम तो कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, या तो वो चेन्स एंड ऑल मिलेगी. तो मैक्सिमम जो ऐसे बैग्स होते हैं वो सीधा बोलेंगे 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. एंड एग्री मत करना, ट्रस्ट मी, वो आपको लूटते हैं. तो मैंने ये जो दोनों बैग लिए हैं प्रॉपर बार्गेनिंग करके, रात को जब उनका क्लोजिंग टाइम था ना, तब उन्होंने मुझे ये दिए 100 के 2, मतलब 1 lakh rupees के दो बैग्स. 1 lakh rupees बाली का इज इंडिया का 540. तो ये दोनों बैग्स मुझे 540 के पड़े हैं. ये वाले जो दो बैग्स हैं ये मैंने लिए थे कूटा की मार्केट से. सो कूटा जहाँ हम स्टे कर रहे थे उसके स्टार्टिंग में पूरी मार्केट लगी हुई थी. एंड जिस दिन हमारी फ्लाइट थी वापस जाने की, मैं 2 या 3 घंटे पहले सुबह सुबह गई. और ये एक और हैक है, अगर आपको शॉपिंग करनी है ना बाली में, अर्ली मॉर्निंग जाओ. लाइक ट्राई टू बी द फर्स्ट कस्टमर, बिकॉज बाली में क्या होता है, उनका कुछ होता है फर्स्ट कस्टमर लक होता है, कि जो सुबह सुबह आपका कस्टमर आएगा वो जाना नहीं चाहिए. तो लिटरली जब मैं वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गई थी ना, मैं अर्ली मॉर्निंग चली गई. जब वो खुला था वो लोग अपने सामान लगा रहे थे, मैं उस टाइम शॉप करने चली गई. एंड मैंने जो प्राइस बोले हैं, मतलब जितना बार्गेन किया है उन्होंने एग्री किया, उन्होंने मुझे सामान दे दिया. अदरवाइज जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना वहाँ पे वो बार्गेनिंग नहीं इतनी करते, बिकॉज इट्स लाइक सारे शॉपकीपर्स एक साथ होते हैं, तो उन सब ने फिक्स्ड कर रखा होता है प्राइस, कोई भी अपना प्राइस डाउन नहीं करता. बट उस दिन मुझे अच्छी डील मिल गई थी. सो ये वाले बैग मुझे पड़े 80,000 ईच. ये जैसे 50,000 ईच पड़ा है, ये वाला मुझे 80,000 ईच पड़ा है. सो मैंने दो बैग लिए फॉर 160. आई थिंक अगर मैं और कम कराती तो कर सकती थी, बट फिर मुझे तरस आ गया. मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडी थी एंड शी वॉज लाइक नो आई हैव टू ईट, आई हैव टू अर्न, तो मुझे भाग के थोड़ा सा आ गया. अदरवाइज आई वॉज लाइक मैं 120, 130 तक ला सकती थी. 120
130 as in 130,000, 120,000, मैं ऐसे बोलने वाली हूँ बिकॉज वहाँ पे यही बोलते हैं, वहाँ पे ऐसे 1 lakh नहीं बोलते, वहाँ पे बोलते हैं 100, 1 lakh को 100 बोलते हैं, देन 2 lakhs को 200 बोल देंगे, अदरवाइज करेंसी जो होती है पूरी लाख की होती है. कमिंग टू द नेक्स्ट बैग, दिस इज फ्रॉम अ मार्केट जो लगती है बाली के तीर्था एम्प्योल टेम्पल के बाहर, जो फाउंटेन जहाँ पे लोग शावर्स लेते हैं ना प्योरिटी के लिए, वो वाला एक टेम्पल है उबूद में, उस टेम्पल के बाहर एक मार्केट लगती है. ओ माई गॉड, अब तक के सबसे क्रेजी प्राइजेस जो हमें मिले हैं ना वो उस टेम्पल के बाहर ही मिले हैं. उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं था बिकॉज उस दिन हमने एक पैकेज ले लिया था कैब का, बेसिकली ड्राइवर जो पूरा उबूद घुमाता है, हमने वो पैकेज लिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ हम ज़्यादा शॉप नहीं कर पाए बिकॉज फिर टाइम वेस्ट होता है और हमारा वो पैकेज की फिर जो जो चीज़ें एक्सप्लोर करने वो रह जाती है. अदरवाइज वो मार्केट, अगर आप वो टेम्पल जाना प्लीज़ वो मार्केट जाना, क्योंकि वहाँ पे लोग क्रेजी बार्गेन करने को तैयार है, लिटरली वो हाफ से भी हाफ रेट पे आ जाते हैं. मैंने लिया ये वाला बैग अगेन फॉर मी, दिस इज सो ब्यूटिफुल, आई लव द बीची वाइब ऑफ दिस वन. मतलब इसको देखते आई वाज लाइक आई हैव टू गेट इट बिकॉज मुझे इसके कलर पैलेट बहुत अच्छे लगे. इट हैज ऑल द कलरफुल थिंग्स एंड हैज बाली रिटन ओवर हेयर एज वेल. यहाँ पे ऐसे पॉकेट भी है, बाली बना हुआ है. सो दिस वन कॉस्टेड मी अराउंड 120. आई रिमेंबर हम 100 के लिए बार्गेन कर रहे थे, 100 एज इन 1 lakh बोल रहे थे, बट वो 1 lakh नहीं मानी, शी वॉज लाइक 10 more. सो फाइनली वी डिसाइडेड ऑन 1 lakh 20,000. सो इट कॉस्टेड अस अराउंड 700-800, यू कैन से इतने रुपीज का पड़ा है. आई नो दिल्ली में या कहीं पर भी आपको ऐसे वाले जो नॉर्मल जूट बैग्स हैं 100-200 रुपए में इंडियन करेंसी में इजिली मिल पाएंगे, बट या जस्ट एज अ मेमोरी मैंने ले लिया बिकॉज बाली वाले बैग यहाँ पे तो मिलेंगे नहीं. अनदर बैग जो ये वाले प्रिंट चलते हैं इनके, सो मैंने इनके अलग अलग स्टाइल ले लिए, मुझे जो जिसको देना होगा मैं अपनी मर्जी से दे दूँ या फिर पूछ लूँगी किसी को चाहिए हो कौन सा चाहिए, चॉइस भी हो जाती है, एक वैरायटी भी हो जाती है. सो ये वाले बैग भी यहाँ पर बहुत चल रहे थे, वहाँ पे तो फॉरनर्स ने इनफैक्ट यही कैरी किए हुए थे. वहाँ पर बीच पे आपको जो फॉरनर, जितने भी फॉरनर्स दिखेंगे ना, सब ने ऐसे वाले बैग्स ही कैरी किए होते हैं. सो दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक वाइट कलर का बैग, 400-500 समथिंग का. बाली इज नॉट दैट चीप, अगर आप सोचो अगर INR से कंपेयर करो बाली की करेंसी, आपको लगता है वाह यार कितना सस्ता है, बट आप फिर वो भी तो देखो कन्वर्जन कितनी हो रही है, अमाउंट उतना ही पड़ रहा है, इतना ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव मतलब सस्ता नहीं पड़ता. अनदर फेमस आइटम ऑफ बाली आर दीज पाउचेस बैग्स, ये आपको बहुत मिलेंगे, आपको बाली की हर मार्केट में ऐसे छोटे बड़े साइज के पाउचेस मिलेंगे. सो मैंने ये वाले भी ले लिए एज अ मेमोरी और गिफ्ट करने के लिए भी काफी अच्छे हैं. सबसे पहले मैंने लिया ये पाइनएप्पल वाला, साइड में पूरा ऐसे पॉम पॉम लगा हुआ है, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ. दीज आर वेरी प्रिटी, और ऐसा भी नहीं कि खराब काम है या फिर थ्रेड निकल रहा है, आप काम की बस क्वालिटी देखो, लाइक लुक एट दिस, इट हैज प्योर हैंडवर्क वाला काम, पॉम पॉम लगे हुए हैं, इट हैज अ जिप एज वेल, छोटा सा पाउच, आप कुछ भी अपना रख सकते हो, लिपस्टिक्स रखनी है, कॉइन्स रखने हैं, एज अ पर्स भी आप इसको यूज कर सकते हो. तो मैंने ये 3 पिकअप किए हैं, एक पे तो बाली ही लिखा हुआ है एंड देयर इज अनदर वन जिस पे ऐसे वाला प्रिंट बना हुआ है. इसके अलावा हमने और ये वाले स्लिंग बैग वाले पाउचेस लिए हैं, ये हमने लिए हैं बाली के ड्यूटी फ्री से. सो बाली का जो ड्यूटी फ्री है ना वो एयरपोर्ट में नहीं है, वो थोड़ा सेपरेट है, मतलब एयरपोर्ट पे भी आपको बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगी, लेकिन बाली में कूटा में एक मॉल है, आई थिंक गैलेरिया मॉल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बाली का ड्यूटी फ्री है. तो वहाँ से आप जो भी चीज़ें पिकअप करोगे एक्सपेंसिव वाली, वो आपको फिर बाद में एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करने के बाद कस्टम से आप पिकअप कर सकते हो. सो हम रैंडमली मॉल समझ के चले गए थे, हम माइकल कॉर्स में गए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी डील थी, मतलब 50% ऑफ पे था, प्लस अगर आप 2 bags दो तो और अच्छी डील मिलती है. तो हमने 2 bags वहाँ से पिकअप किए हैं, 1 for me 1 for my sister-in-law, सो वो तो हमने दे दिया, प्लस जो मेरा वाला बैग है वो अभी हिडन है बिकॉज वो मैं इंस्टाग्राम पर रिवील करने वाली हूँ. इट्स माई फर्स्ट MK बैग, तो एकदम हाइप बनाऊंगी इंस्टा के ऊपर जैसे सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं. ओके, सो उसमें क्या हुआ, जब हमने वो बैग लिया ऑब्वियसली वैल्यू बहुत हाई थी उसकी, तो उससे क्या होता है आपको एक पर्टिकुलर वो कूपन जनरेट करके देते हैं, 150 मतलब 1 lakh 2 lakh समथिंग उन्होंने कूपन जनरेट करके दिया था, एंड दे सेड कि आप उसको एयरपोर्ट पे कहीं पर भी रिडीम कर लो. सो हमें ये पाउचेस दिखे वहाँ पे जहाँ पे चॉकलेट्स एंड ऑल रखी होती है. आई एम समवन हु डजंट लाइक टू बाय चॉकलेट्स, आई डोंट नो, मतलब थोड़ी बहुत ले लिए टेस्ट करने के लिए इट्स ओके, बट रिलेटिव्स के लिए ऐसे चॉकलेट्स लेके आना मुझे बड़ा अजीब लगता है बिकॉज आप कोई भी कंट्री जाओ आजकल चॉकलेट्स यार दिल्ली में मिल ही जाती है सारी, इतना वो टेस्ट का तो कोई फर्क नहीं होता. बट आई फील है कुछ लाओ ना एज अ मेमरी, एक चीज़ लाओ जो उनके पास जिंदगी भर रखी रहे, वो कभी भी देखे तो आपकी याद आए, मैं कभी भी देखूँ तो मुझे अपनी ट्रिप की याद आए. सो मोर देन चॉकलेट्स आई प्रेफर सच थिंग्स. सो अमन वॉज सेइंग चॉकलेट्स लेते हैं, लाइक नहीं यार चॉकलेट नहीं लेनी, कुछ अच्छी चीज़ लेंगे. तो सेम वैल्यू पे हमें ये वाले बैग्स मिल गए. सो दिस इज हाउ दीज पाउचेस लुक्स लाइक, वी बॉट 5 pouches, मैं दिखा देती हूँ एक. सो कुछ इस तरह से दिखता है, इट्स लाइक अ फोन कवर पाउच, यू कैन ऑल्सो से आप इसके अंदर अपना फोन भी डाल के ऐसा स्लिंग बना सकते हो. सो ये स्लिंग बैग है बाय द वे, यहाँ पर इसका एक लॉक है जिसको आप अगर ऐसे खोलोगे एंड देन वी हैव द
स्लिंग ओवर है, ये लॉन्ग सा स्लिंग है जिसको आप इसे टांग सकते हो। इन पर भी बाली लिखा हुआ है, सारे पाउचेस पे हमें बाली लिखा होता है, जिस लाइक रियली नाइस, बड़ा क्वर्की सा इस पे प्रिंट है। और इसके अलावा एक चीज और लाई हूँ मैं ज्वेलरी के अंदर, सो बाली में बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज मिलती है जो आपको गोवा में भी मिलती है, मतलब गोवा बाली की शॉपिंग में इतना कोई फर्क नहीं है। मैं गोवा नहीं गई लेकिन मैंने गोवा के काफी सारे मार्केट हॉल्स देखे हैं, ब्लॉग्स देखे हैं, एंड आई सॉ कि गोवा और बाली के मार्केट में इतना कोई फर्क नहीं है। बट या फर्स्ट टाइम गए थे तो मेरा मन था और चीजें पिकअप करने का, सो आई पिक्ड अप दीज नेकलेसेस एज वेल बिकॉज ये मैंने खुद भी पहने और मुझे बहुत अच्छे लगे। सो गिली टीम में जब मैं थी, मेरा ऐसे मैं सारे अपने इयर रिंग्स, हुप इयर रिंग्स सब कुछ लेके गई थी, लेकिन मैं गले का कुछ नहीं लेके गई। सो मुझे गला बड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने वहाँ की मार्केट से ये शेल वाली माला ली थी एंड आई रियली लाइक इट, और लिटरली मैंने एंटायर ट्रिप में वाली माला पहनी बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी। दीज आर क्या कहते हैं शंख, या ये शंख है बाय द वे, इसमें छोटे छोटे ऐसे शंख जा रहे हैं, कैन यू सी कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये पूरी ऐसे ओवरऑल माला है। सो ये मैंने काफ़ी सारी ली है फॉर गिफ्टिंग पर्पज बिकॉज अच्छी लगती है, आई थिंक इट्स अ नाइस क्वर्की एलिमेंट। आजकल तो बोहो का फैशन है, तो डेली में भी लोग कुर्तियों के साथ या फिर टॉप के साथ ऐसे बोहो चीज़ें पहननी प्रेफर करते हैं, सो आई पिक्ड अप दीज भी। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अ ड्रेस जो अगेन मेरा मन था वहाँ पर पहनने का, बट मैंने ये आते ही लगेज में रख दी थी, उसके बाद मैं भूल गई और मैं पहन नहीं पाई। सो ये तो मैं अब नेक्स्ट बीच ट्रिप पे ही पहन सकती हूँ बिकॉज ये डेली में तो चलेगी नहीं, इट्स लाइक अ होल सी थ्रू सॉर्ट ऑफ ड्रेस। सो ये वहाँ पर वो पहनते हैं बीचेस पर, बिकॉज जब आप बिकनी पहनते हो तो आप बाहर कहीं जाओगे, रेस्टोरेंट होटल में बैठोगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो बिकनी के ऊपर आप ऐसे एज अ कवर अप ड्रेस पहन सकते हो। तो मैंने ये वाली पिकअप करी है एंड दीज आर हैंडमेड, मतलब हर शॉप पर जो भी लेडीज बैठी थी वो अपने हाथों से इसको बना रही थी। सो ये हैंडमेड ड्रेस है, इट हैज़ दिस वी नेक सॉर्ट ऑफ थिंग, और यहाँ पे फ्रंट में नॉट जा रही है, और ये ऐसे फ्लावर फ्लावर का पैटर्न बना हुआ है पूरी, मतलब टॉप पे बना हुआ है, अपर एंड बॉट ये दो ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं, नीचे पूरी ऐसे इसमें पैटर्न जा रहा है। और ये बॉडी फिटेड ड्रेस होती है, मतलब ऐसे हग भी आती है, इसमें कोई साइज नहीं आता है, आज ढंग की इसमें साइज आते हैं, शी सेड नो दीज आर फ्री साइजेस। तो मैंने ये वाला कलर इसमें पिक कर लिया, आई थिंक दिस वन ऑल्सो कॉस्टेड मी फॉर 1 lakh, या सो 5640 के अराउंड मुझे पड़ी है INR, विच इज़ नॉट बैड फॉर हैंडमेड थिंग बिकॉज वो लेडी खुद अपने हाथ से बना रही थी, तो मेरा इतना मन नहीं किया बार्गेन करने का। ओके, अनदर थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम द सेम कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया ना कूटा की मार्केट का कॉम्प्लेक्स जहाँ से मैंने बैग लिया है। सो ये आगे जाके मुझे आप ये देखिए ईवल आए, वहाँ पर मैक्रमे का इतना अच्छा सामान मिलता है, मतलब मैं पूरे टाइम जब स्कूटी पे थी ना, मैं हर शॉप पे मैक्रमे का सामान देख रही थी एंड ओ माय गॉड, इट वाज सो सो क्यूट। मैक्रमे के बड़े बड़े झूले जो आते हैं, आई विश मैं लेके आ सकती बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है लगेज उसमें लाना बिकॉज वो बहुत बड़े होते हैं। सो मैंने एक छोटा सा ले लिया बिकॉज मुझे बहुत अच्छी डील में मिल गया, ये एक सॉर्ट ऑफ मैक्रमे वाला डिज़ाइन है लेकिन ये ईवल आई में है एंड इट हैज़ दिस पिंक रफलो ऑल ओवर हेयर, लाइक लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है ये पिंक ईवल आया है, इसको तो नजर भी नहीं लगी बिकॉज बड़ा पिंक पिंक सा ईवल आया, बट आई लाइक इट। सो ये मैंने लिया क्यों है बिकॉज मुझे स्टील डील मिल गई। सो जब मैंने पूछा ना व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस वन, ही सेड 1,80,000 एंड आई वाज लाइक नो, गिव मी फॉर 50,000 एंड ही गिव मी अ लुक, उसने मुझे बड़ी गंदी लुक दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं आगे चली गई, देन ही वाज लाइक नो नो कम बैक बिकॉज मैं फर्स्ट कस्टमर थी उसी, तो वो फर्स्ट कस्टमर वाला गुड लक ही था जो चल गया, मेरा भी लक चल गया, सस्ते में सामान मिल गया। सो आई गॉट दिस वन फॉर 50,000 विच इज नॉट ऑल बैड बिकॉज पूरी बाली की मार्केट में ये चीज़ें 50,000 की नहीं मिलती, 50,000 अराउंड 250 इंडियन रुपीज विच इज नॉट ऑल बैड फॉर दिस ब्यूटी। सो यार इसको मैं स्टूडियो में लगाने वाली हूँ कहीं पर बिकॉज आई रियली लाइक। सो जहाँ से मैंने ईवल आई लिया था, थोड़े से आगे जाके एक स्टॉल था ओल्ड लेडी का, अगेन वहाँ पे मैक्सिमम स्टॉल्स बड़ी ओल्ड ओल्ड लेडी के होते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है, ऐसे बार्गेन भी नहीं किया जाता बिकॉज मैं एज देखना ऐसा हो जाता है मुझे। बट वहाँ पे सारे कपड़े थे एंड बाली में कपड़े जो है ना वो लिटरली सरोजनी वाले कपड़े, जो आपको सरोजनी में वैसे ढीले ढीले झोले झोले वाली ड्रेसेस मिलती है ना, बिल्कुल ढीली बोहो वाली काफ़ी, तो उसमें वही डिफेक्ट्स सॉर्ट ऑफ होते हैं, मतलब जो आपको सरोजनी में 100-200 का सामान मिलता है ना, वो सेम कपड़े आपको बाली में भी मिल रहे थे, बट वही वहाँ की करेंसी के हिसाब से 1 lakh से कम देते नहीं है, तो वही 500-600 रुपीज इंडियन करेंसी हो गई, तो मुझे वर्थ नहीं लगा। बट एज अ मेमरी मैंने एक ड्रेस ले ही ली बिकॉज लास्ट में थोड़ी सी करेंसी बची हुई थी, आई वाज लाइक यूज ही कर लेते हैं। सो एज अ मेमरी मैंने एक ड्रेस ले ही ली, आई रियली लाइक इट जब मैंने इसको देखा, मेरे पास ऐसी लॉन्ग फिटेड में कोई ड्रेस भी नहीं थी, प्लस एक मेमरी भी हो जाती है कि मैं बाली से ड्रेस लेके आई थी। सो दिस इज द ड्रेस, नूडल स्ट्रैप की ड्रेस है ये, वीनेक है पूरी, एंड आई लव द फैक्ट यहाँ से स्टिच्ड है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से स्टिचिंग करी हुई है, तो ये ज़्यादा डीप भी नहीं जाएगी, अदरवाइज ऐसे लटकती रहती है वो बिकॉज फिर आपको बूट टेप पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है बिकॉज पूरी ड्रेस इधर उधर हो जाती है। एंड देन वी हैव इलास्टिक हेयर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, 120 या 1 मैं भूल चुकी हूँ, 1 lakh अराउंड की दी है। सो 540 ईश की मुझे ड्रेस पड़ी है, विच इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सरोजनी, बट ठीक है यार, इंटरनेशनल ट्रिप है, एक कपड़ा तो लेना ही था। सो आई पिक्ड इट। टू मोर थिंग्स इन द
क्लोथिंग कैटेगरी बट ये मैंने मजबूरी में लिया। मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो हमने ये लिया था फर्स्ट डे, जब हम फर्स्ट डे उलुवातु बीच गए थे। तो बीच पर क्या होता है, आपको ऑब्वियसली कुछ बिछा के ऐसे बैठना होता है, बिकॉज आप नॉर्मल तो ऐसे बैठोगे तो सारी सैंड वगैरह चली जाएगी। एंड हम वहाँ गए ना, मतलब लाइक हमारे पास तो कोई बेडशीट आई नहीं, मतलब हम कुछ लेके नहीं आए अपने साथ। सारे जो फॉरनर्स अंग्रेज जितने भी थे वो सब प्रिपेयर होके आते, तो प्रॉपर ऐसे अपने ये लेके आए थे। सो हमारे पास था नहीं, सो हमने वहीं पर लोकल मार्केट से ही, मतलब जो वहाँ पे बीच पे ही सेल कर रहे होते ना, उनसे लिया। एंड क्लियरली उन्होंने हमें बहुत एक्सपेंसिव दिया है, मतलब ये उन्होंने हमें दिया है अराउंड, आई एम नॉट रियली श्योर, आई थिंक 1 or 2 lakh का दिया है, विच इज लाइक 500-600। यार ये तो हमारे लोकल मार्केट में 500 के आ जाते हैं। सो यार अनदर बाली ट्रिप अगर जा रहे हो तो प्लीज इंडिया से ऐसे वाले कपड़े लेके जाना बिछाने के लिए, सो दैट यू कैन सिट। क्लोथिंग कैटेगरी में लास्ट जो चीज है वो है ये लाउंज पैंट्स, जो मैंने लिटरली निकलते वक्त लिया है। हम होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे निकलते वक्त, और मैंने उस टाइम शॉर्ट्स पहनी हुई थी बिकॉज मेरा मन नहीं था कुछ लॉन्ग में पहनने का। सो मुझे दिखा एक शॉप पे बाहर लगा हुआ था, इट वॉज फॉर 50,000 में मिल रहा था, 50,000 हो गया इंडियन करेंसी 250 समथिंग। सो 250-250 के मिल रहे थे, आई वाज लाइक नॉट बैड है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, इट्स लाइक अ वेरी नाइस रिलैक्स लाउंज पैंट। ये मैंने उस टाइम लेओवर के टाइम चेंज कर लिया था, सो जब मैं इंडिया लैंड करी मैं एकदम थके हुए कपड़े में थी, एंड इट इज कम्फर्टेबल, मतलब इसमें फ्लाइट में एकदम मस्त में बैठी हूँ, पैर फोल्ड करके सो भी गई, काफी कंफर्टेबल है लाउंज पैंट्स। इसका कलर बहुत अच्छा लगा, टैन कलर, इसको मैं कुर्तियों के साथ एज अ प्लाजो भी पहन सकती हूँ। सो यार दिस वन फॉर 250 इज नॉट ऑल अ बैड डील। स्किन केयर जंकी और ऐसा तो हो नहीं सकता मैं अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पर जाऊं और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ना लेके आऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टिंग में मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी ना, बिकॉज एक दिन हो गया, दो तीन हो गया, तीन चार दिन हो गए, मुझे कहीं मेकअप की शॉप्स नहीं दिख रही, मतलब बाली में थे ही नहीं स्टोर्स। फाइनली जब हम उबूद में गए ना, उबूद में मुझे एक फार्मेसी दिखी, उसका नाम था गार्डियन फार्मेसी। बाली में दो तीन जगह मुझे दिखी गार्डियन फार्मेसी, तो वहां पर काउंटर्स थे मेकअप के, एंड मैं जाती सबसे पहले मेबलिन पे गई। मुझे चेक करना था इंडिया के कंपैरिजन में क्या रेट है, बट मेकअप इज एक्सपेंसिव, मतलब टच वुड इंडिया में मेकअप काफी मिलता है। वहाँ पे मेबलिन का फिटमी का फाउंडेशन अगर मैं कन्वर्ट करूँ ना, मतलब 800-900 का था, यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट पे देखो नायका की सेल पे 300-250 का भी मिल जाता है। सो यार मेकअप तो मैंने नहीं लिया, बट आई शॉप अ लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली है ये वाली क्रीम, जिसका बॉक्स मैंने संभाल के रखा है बिकॉज वीडियो में दिखाना था। सो दिस इज द क्रीम, ये है कैलेंडुला, इसका नाम है कैलेंडुला मल्टीपर्पज क्रीम फॉर रफ ड्राई फ्लेकी और चैप्ड स्किन। ये नेल्सन की है। सो क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे पीलिंग होने लगी, माई नोज एरिया इज वेरी सेंसिटिव, और जब भी सनबर्न होता है, गर्मी होती है, कुछ भी होता है, मेरी ये पूरा एरिया ड्राई हो जाता है, पील होता है, स्किन मेरी क्रैक होने लग जाती है। और मैं बाली के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स लेके गई थी वो सारे मेरे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर थे, बिकॉज आई थॉट बाली तो बीच ही एरिया, वहाँ पर तो गर्मी होगी तो हैवी नरिशिंग क्रीम्स की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं लेके ही नहीं गई, विच इज अ बिग मिस्टेक। अच्छी नरिशिंग क्रीम्स भी लेके जाना, बिकॉज सनबर्न होने के बाद ना स्किन को नरिशमेंट चाहिए होती है। सो वहाँ पर मैं फार्मेसी में, जब मैंने वहाँ पर लेडी से पूछा कि सजेस्ट मी समथिंग फॉर द ड्राई क्रैक्स, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैंने उसी टाइम से लगाना शुरू कर दिया था। मैंने दो तीन दिन इनफैक्ट लास्ट तक यही वाला मॉइस्चराइजर यूज किया है, एंड आई रियली लाइक इट। तो ऐसे बोरोलिन जैसी पैकेजिंग होती ना, बिल्कुल वैसी पैकेजिंग में आई है। और मैंने जब इसकी स्टोरी डाली, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, आई एम लविंग दिस मॉइस्चराइजर, मुझे और लेना चाहिए, तो मुझे एक लड़की का रिप्लाई आया कि इंडिया में भी मिलती है ये नेल्सन वाली क्रीम, इंडिया में भी मिलती है, तो अगर ये अमेजोन या कहीं पर होगी ना मैं लिंक डाल दूंगी। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, आई लव द फैक्ट ये लाइट है, मतलब बिल्कुल भी चिपचिप ग्रीसी हैवी नहीं है, इतनी लाइट फील होती है, बट एट द सेम टाइम ये नरिशमेंट देती है, जो भी ड्राई क्रैक्स या काफी बार ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं ना, उसको बहुत अच्छी नरिशमेंट देती है। नेक्स्ट अप आई पिक्ड अप दिस वन, दिस इज द वाडा यूवी शील्ड, वाडा आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वहां की ब्रांड है। सो वहां पर ना सर्कल के होता है, सर्कल के इज लाइक 24/7, वहां पे हर जगह लाइक एवरी किलोमीटर, आई वुड से एवरी 100 meters से भी कम डिस्टेंस पे आपको वहाँ पे सर्कल के दिख जाएगा, जो सारी रात खुला रहता है, पूरे दिन खुला रहता है, और वहाँ पे ऐसे रैंडम ब्रांड्स होते हैं, तो वहाँ पे स्किन केयर का भी सेक्शन था, तो मैंने वहाँ से ये पिकअप करी है। एक स्टिक वाली सनस्क्रीन है, मैं एक सनस्क्रीन लेके गई थी स्टिक वाली, सनसेफ पता नहीं कौन सी ब्रांड है वो, हाइट स्टोर से ली थी मैंने, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। सो आई थॉट अगर वो फिनिश हो जाती है तो एक बैकअप होना चाहिए, बट वो फिनिश नहीं हुई, वो मेरी चल गई थी, तो इसलिए मैंने ओपन अप नहीं करी, इसको मैं डेफिनेटली ओपन करने वाली हूँ। इसमें दो वेरियंट है वहाँ पर, एक था नरिशिंग में जो हल्का सा डू इफेक्ट के लिए होता है, और एक होता है मैट इफेक्ट, तो मैंने मैट वाली लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट एंड स्मूथ फिनिश, तो इसको मैं डेफिनेटली जब ट्राई करूंगी मैं एक इंस्टाग्राम रील रिव्यू डाल दूंगी, सो मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं ऐसे रिव्यूज रील पर करती हूँ। ओके नेक्स्ट अप आई परचेज दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस, मतलब ये वहाँ पर था, दिस वॉज फॉर अराउंड लाइक इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 20-30 का था, तो इसलिए मैंने पिकअप कर लिया, 20 भी नहीं, आई थिंक 17-18 का था। या सो ये है पैंटीन का
कॉन्डिशनर, ओके ये बाली की लैंग्वेज में लिखा है कॉन्डिशनर एंड तानिपा बिलास, ओके ये सारी बालीनीज में ही लिखा हुआ है, आई थिंक ये इंडियन मतलब इंग्लिश नहीं है. सो दिस इज अ पैंटीन लीव इन क्रीम जैसा है ये. सो लाइक आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाल थोड़े से सूख गए, आप इसको एज अ लीव इन क्रीम भी यूज कर सकते हो. तो मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे वही यूज करना था बिकॉज मेरे बाल काफी ड्राई हो रहे थे, बट मैं लकीली बहुत सारे हेयर मास्क लेके गई थी तो मैंने वही अप्लाई कर लिया था, तो इसकी नीड नहीं आई. आई एम डेफिनेटली गोना टेस्ट इट एंड लेट यू गाइज नो. नेक्स्ट अप अनदर थिंग जो उस फार्मेसी में वो लेडी ने ही मुझे रिकमेंड करी थी, वो है ये स्प्रे, ये इवियन फेशियल स्प्रे. दिस इज फॉर हाइड्रेटिंग योर स्किन और ये हाइपो एलर्जेनिक है. शी सेड ये आप अपने बैग में रखो एंड जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस. सो आई वाज लाइक ओके मैं ट्राई करके देखूंगी. अगेन टाइम ही नहीं मिला बिकॉज एक बार लगेज में कुछ चीज चली जाती है ना तो फिर याद ही नहीं रहता. इसको मैंने बैकपैक में भी रखा था कि अगर बीच पे जाते हैं गर्मी लगती है तो यूज कर लो, बट दिमाग में नहीं रहता. सो लेट मी जस्ट ओपन एंड सी. ओके सो ऐसे बिल्कुल वॉलनी स्प्रे जैसी होती है, बिल्कुल वैसी पैकेजिंग में है. क्या इसमें खुशबू है? वो इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, इसमें कोई खुशबू नहीं है. स्प्रे करके देखो बट अभी तो मैं ऑलरेडी गीली हूँ. नहीं मैं ऑलरेडी बहुत गीली हूँ पसीने से बिकॉज मैंने कुछ भी चलाया नहीं हुआ. या बट इट्स वेरी फाइन. सो इन्होंने बोला कि हाइड्रेशन के लिए, जैसे मेरी स्किन उस टाइम क्रैक हो रही थी, रेडनेस आ रही थी धूप की वजह से. शी सेड जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस और आपको बहुत एक सूदिंग फील होगा. नेक्स्ट इज माइसेला वाटर, जिसका वेरियंट अभी भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए मैं लेके आई हूँ. बिकॉज इंडिया में आई थिंक पिंक वाला वेरियंट आता है और एक वो ऑयल वाला वेरियंट आता है, लेकिन ये सैल्सिलिक वाला वेरियंट अभी भी इंडिया में नहीं आया, इसलिए मैंने पिकअप कर लिया बिकॉज मुझे काफी अच्छा लगा. इट्स अ सैलिसिलिक एसिड BHA बेस्ड क्लेंजिंग वाटर जो मेरी स्किन के लिए काफी अच्छा है. एक्ने प्रोन स्किन तो मेकअप भी हट जाएगा और थोड़ा बहुत जेंटली एक्सफोलिएट भी हो जाएगा, तो मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ. आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट अगर मुझे अच्छा लगेगा तो. एंड नेक्स्ट अप इज महंगा एलोवेरा जेल. वन थिंग इफ यू आर गोइंग टू अ बीची कंट्री लाइक बाली जा रहे हो, मालदीव्स, बैंकॉक, थाईलैंड, कहीं भी जा रहे हो, प्लीज एलोवेरा जेल लेके जाना. सारे होटल्स में आपको फ्रिज तो मिलता ही है, तो अपना एलोवेरा जेल लेके जाओ, फ्रिज में रखो. घर मतलब होटल में आके जो आपको लगता है स्किन बर्न हो रही है, बीच पे जानी है वैसे, धूप में जानी है वैसे, तो फटाफट आपको एलोवेरा जेल लगा सकते हो. मैं सैडली नहीं लेके गई, तो वहां पर हमने ये गिरी टी में लिया था एंड दिस वन कॉस्टेड अस फॉर 560-500 INR, मतलब 500 रुपए का एलोवेरा जेल. अगर मैं इंडिया में लेती ना इतना बड़ा टब मिल जाता मुझे 500 रुपए का. सो यार ये फालतू का खर्चा हो गया हमारा. दिस इज बाय बनाना बोट एंड आई एम नॉट रियली श्योर ये बनाना बोट ओरिजिनल है नहीं है, और इसमें इतनी फ्रेग्रेंस भरी हुई है ना, मतलब मुझे अगर वो इंडिया में बोलेगा ना 500 रुपए की ट्यूब ले लो, मैं कभी नहीं लेती, बट ये मजबूरी वाला परचेज था. वी ऑल्सो बॉट फ्रिज मैग्नेट्स. मेरा बहुत मन है कि हम कहीं भी ट्रैवल करें फ्रिज मैग्नेट्स लेके आए, अपने फ्रिज को भर दें, बिकॉज मैं सबकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखती हूँ, मुझे काफी कूल लगता है. इट्स लाइक अ रियली नाइस आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मेमरीज एंड जस्ट स्टिकिंग इट ऑन द फ्रिज. तो मैंने बहुत सारे ये वाले लिए हैं फ्रिज मैग्नेट्स. एक तो लिया है आई लव बाली, ये तो आपको इजिली वहाँ पे 10,000 के मिल जाते हैं. ये वाला लिया जो बाली का बड़ा फेमस ये गेट है, ये रह गया, मैं यहाँ पे शूट नहीं करा पाई, भूल गई. मतलब हमारा ये रह गया, हमें जाना था लेकिन उस दिन हम कहीं और चले गए तो ये वाली चीज़ हमारी मिस आउट हो गई थी. सो इस चीज़ के लिए मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ कि मेरा बाली में ये वाला गेट का शूट रह गया, बट ठीक है मैंने फ्रिज मैग्नेट ले लिया कि चलो एक चीज़ तो साथ में आनी चाहिए. एंड ये लिया है हमने गिली टी से, गिली टी में ऐसे ये वाले बहुत आपको टॉर्टोइज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया व्हाट इज दिस कॉल्ड. आई ऑल्सो पिक्ड अप दीज नेकलेसेस, ये तो बहुत ज्यादा मिलते हैं बाली में. इनफैक्ट ब्रेसलेट्स बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, जो भी अलग अलग स्टोन्स के ब्रेसलेट आते हैं ना वो इतने प्यारे मिलते हैं बाली में. बट अगेन आई एम अ चूड़ा गर्ल, मेरा भी चूड़ा वाला फेस चल रहा है, तो ब्रेसलेट्स मैं नहीं पहन सकती, पहनूंगी तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा. तो मैंने ये वाले नेकलेसेस ले लिए, गिफ्टिंग के लिए भी मैंने ले लिए, अच्छे लग रहे थे. सो एक है ये ब्लू वाला जिसपे ऐसे ईवल आई बना हुआ है. आई एम श्योर आपको इंडिया में भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बट ठीक है एज अ मेमोरी अच्छे लगते हैं. फाइनली वी हैव द बैग्स, जिसकी वजह से सबसे सॉलिड खर्चा हुआ है हमारा, बिकॉज यही सबसे महंगे पड़े हैं. आई हैव माई फर्स्ट माइकल कॉर्स बैग हेयर, जो हमने बाली के ड्यूटी फ्री से लिया है. ये तो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करने वाली, आई एम गोना अपलोड अ नाइस इंस्टाग्राम स्टोरी रील, नॉट स्टोरी, इंस्टाग्राम रील डालूंगी. आई एम गोना डू अ नाइस अनबॉक्सिंग ऑफ माई फर्स्ट लग्जरी कैटेगरी बैग. एंड ये दूसरा वाला मैं आपको दिखा देती हूँ. सो जब हमारा लेओवर था सिंगापुर में, जब हम दिल्ली से सिंगापुर जा रहे थे, तो हमारा जो टर्मिनल पड़ा था वहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ था, एंड वन ऑफ आर फ्रेंड टोल्ड अस कि वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही आना, बिकॉज जो चार्ल्स एंड कीथ वहाँ का है वो बहुत सस्ता है, मतलब इफ़ यू कंपेयर विद इंडिया बहुत सस्ता है, और वहाँ पे मिलता है सिंगापुर डॉलर के हिसाब से. सो मैंने एक बैग वहाँ से पिकअप कर लिया था, मतलब ट्रिप शुरू नहीं हुई और सबसे पहले मैंने काफ़ी बड़ा खर्चा कर लिया. वैसे बड़ा तो नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिला है. सो नंबर वन बैग दैट आई पिक इज दिस वन, इज लाइक अ वेरी प्रिटी ग्रीन कलर का. ये कलर मेरे पास था भी नहीं, इज लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, और ये लाइक कलर ब्लॉक करना होना सारे आउटफिट के साथ जाएगा. इसके यहाँ पे मेटल वाली स्ट्रैप है, मतलब हाफ मेटल की है हाफ वो वाली है, मैं आपको दिखाई देती हूँ. तो यहाँ पे ऐसे बटन है, यू क्लिक ऑन द बटन एंड ऐसे यहाँ से खुलता है. वी आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड इट.
ओके ओ ये मेरी साटन ड्रेस है, मुझे लगा इन्होंने कुछ अंदर डाल के दिया। ये मेरी साटन ड्रेस है ज़ारा की, जो मैंने पहनी थी ट्रिप पे, मैं लेके गई थी, मैंने इसके अंदर डाल दी थी सो दैट इसकी शेप ख़राब ना हो लगेज के अंदर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अंदर एक जिप भी है और इस साइड वॉलेट स्टाइल में इन्होंने लाइक कैसे दिखाऊँ, कैन यू सी, यहाँ पे इन्होंने वॉलेट स्टाइल में पॉकेट दी हुई हैं और इस साइड आपको जिप मिलती है। सो जिप खोल के भी आप कुछ रख सकते हो। मतलब आई रियली लाइक द बैग, इट्स प्रिटी, इट्स स्पेशियस एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स नॉट माई चॉइस, इट्स माई हस्बैंड्स चॉइस विच इज़ ऑलवेज अमेजिंग। चलो पसंद आ गया तो ले लिया, मेरा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि बैग ही लेना है, मुझे एक सस्ते में छोटा सा लेना था और मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। आई रियली वॉन्टेड अ नाइस कार्ड होल्डर लाइक अ ब्रांडेड वन, मैं इससे पहले वो सस्ता वाला यूज़ कर रही थी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अगेन फ्रॉम द ब्रांड चार्ल्स एंड कीथ और ये पूरी ऐसे पैकेजिंग में आता है विच इज़ क्वाइट फैंसी एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड होल्डर। मैं बड़े बड़े वॉलेट्स नहीं यूज़ करती बिकॉज नंबर वन दे आर वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा जमा लेते हैं एंड मैक्स मेरे जो स्लिंग बैग्स हैं उसमें वॉलेट फिट नहीं पाते। प्लस आई वॉन्ट समथिंग कि मैं अपनी पॉकेट में भी डाल सकूं जब मुझे ऐसे वॉलेट नहीं कैरी कर रहा हूँ। सो आई रियली लाइक इट्स लाइक अ वॉलेट कम कार्ड होल्डर यू कैन से। सो यहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ की ब्रांडिंग है, देन वी हैव ऑल द स्पेस फॉर द कार्ड्स, यहाँ पे आप कार्ड्स डाल सकते हो एंड देन वी हैव अ जिपर ओवर हियर, जिपर के अंदर आप कॉइन्स भी डाल सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसमें कॉइन्स नोट और साइड में कार्ड मेरे काफ़ी अच्छे से आ जाएंगे एंड वी हैव अ चेन ओवर हियर जिसको यहाँ पे भी आप लॉक कर सकते हो या फिर अपने कोई भी बैग के साथ भी अटैच कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आई लव्ड इट, इसका मुझे कलर बहुत क्लासी लगा, इट्स लाइक अ नाइस वाइट क्लासी कलर। एंड विद दिस माई बाली हॉल इज ओवर। इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज इसकी अनबॉक्सिंग इंस्टाग्राम पे ही होने वाली है, बट अदरवाइज आई होप यू लाइक दिस हॉल। अगर आप जा रहे हो तो आप डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कहाँ से क्या लेना चाहिए। डू लेट मी नो इफ यू हैव बीन टू बाली और नॉट, या फिर आप क्या लेके आए थे, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे शॉपिंग का, आपने क्या क्या चीज़ें पिकअप करी और एनी अदर थिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद मी, डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो सम मोर अमेजिंग वीडियो आइडियाज एज वेल। आई एम बैक फ्रॉम बाली, आई एम रेडी फॉर नाइस अमेजिंग फ्यूचर कॉन्टेंट एज वेल। तो अगर कुछ भी रिक्वेस्ट है, कोई आइडिया है या कोई भी आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डू चेक आउट माय ब्लॉग्स एंड माय बाली शॉर्ट्स सीरीज ऑन यूट्यूब, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट बाली ट्रैवल और यू कैन हैव जस्ट अ लुक। अगर देखना नहीं भी जा रहे तो एज अ टाइम पास देख ही सकते हो। सो डू चेक इट आउट एंड फॉलो इंस्टाग्राम फॉर मोर। मैं अपने इंस्टाग्राम का बायो लिंक सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दैट इज फॉर डेज वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।